राज्यों की श्रेणी में आता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान, जिस राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, जिस राजस्थान ने देश की आजादी के बाद देश की लोकतंत्र को जब कभी कुचलने का प्रयास हुआ था, उस दौरान श्री भैरव सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस गैर कांग्रेसी सरकार के नेतृत्व में एक नई राह पकड़ी थी कि हम विकास भी करेंगे, पर्यटन की सुविधाओं का विकास भी करेंगे और रोजगार का सृजन भी करेंगे, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली भी लाएंगे। इस दिशा में जो एक प्रयास प्रारंभ किया था, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में इससे पहले विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर, बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने की ओर जिस राजस्थान ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए थे, पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही, इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर एक आ गया, अराजकता में नंबर एक आ गया, गुंडागिर्दी और अपराध में नंबर एक हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर एक हो गया। भाइयों बहनों, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल और हर प्रकार की व्यवस्था का कारक राजस्थान हो गया। महंगाई के साथ साथ हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए भटकता है और यहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है। भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। जब भारत बदल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन 142 करोड़ की भारत की जनता कर रही है और जब पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर किसी भी देश में जाते हैं, पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके मोदी जी के स्वागत के लिए खड़ा होता है। भाई बहनों, ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला है, लोग आज भारत को अच्छी निगाहों से देखते हैं और भाइयों बहनों, जब विकास की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा देश आज जब दुनिया की धारणा को बदल रहा है, बदलने में सफल हुआ है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। याद करिए, 9 वर्ष पहले दुश्मन देश घुसपैठ करते थे, आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी, आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन आज आतंकवादियों को और आतंकवाद की आंखों को आकाओं को ही पता है कि अगर उन्होंने घुसपैठ की और आतंकी घटना को अंजाम दिया तो आतंकवादी तो नष्ट होगा ही होगा, उसके आकाओं के ठिकाने भी नष्ट किए जाएंगे। ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, हम लोग दुनिया के अंदर दुनिया की मानव कष्ट में पड़ी हुई मानवता को राह दिखाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर किसी ने आंखें दिखाने का प्रयास किया तो उसकी आंखों को हथेली पे निकालने का काम भी करते हैं। ये भारत, नया भारत समस्याओं का नाम नहीं है, ये नया भारत समाधान का नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान आज भारत के पास है। कांग्रेस ने आतंकवाद दिया, मोदी जी ने उसका समाधान धारा 370 को समाप्त करके दे दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने नक्सली ठिकानों को समाप्त करके इसकी समस्या का समाधान दे दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से इसकी समस्या का समाधान किया।
सेना का अर्धसेना का पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के माध्यम से जनता जन समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश की जनता को अभाव से त्रस्त किया था। मोदी जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दिया। नए भारत में आज विश्व स्तरीय वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईटी, आईएम और वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की गेट पे अब प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। हर कारण योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और भाइयों बहनों, गरीब कल्याण के लिए जो 55 वर्षों में नहीं हो पाया वो मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में करके दिखा दिया। आप सोचिए ना, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय मिल गए, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिल गए, 12 करोड़ गरीबों को 6000 रुपए हर वर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, मिल रहा है। 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। 9 करोड़ 60 लाख गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंच गया। भाइयों बहनों, वनवासियों का, गिरिवासियों का, आदिवासियों का सम्मान कैसे होना है, 15 नवंबर की तिथि जनजातीय दिवस के रूप में मना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया। आज उनके उत्थान के लिए नई नई योजनाएं चल रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देते हुए पंचतीर्थों का विकास, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दुनिया के अंदर उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया। एक तरफ नया भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित करता है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के आता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे करता है और दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी देता है। संकट में अपने लोगों का कैसे संबल प्रदान किया जाता है ये तो आपने देखा होगा। कल के भी और आज के भी समाचार पत्रों में था कि अमेरिका में, चीन में, दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, भारत में हम लोग हजारों की संख्या में एकत्र हैं, कोई कोरोना का भय नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन जो दे दी, ये वैक्सीन फ्री में वैक्सीन। और फ्री में वैक्सीन के पहले फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा भी तो दी है मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को। अब याद करिए, दुनिया के अंदर कोरोना से उभर भी नहीं पा रही है, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्षों से फ्री में राशन की सुविधा दी है। अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन मिलेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय वैक्सीन आती ही नहीं, और अगर वैज्ञानिक वैक्सीन दे ही देते तो भाइयों बहनों ये भी कांग्रेस के नेता ब्लैक कर देते। आखिर कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस के समय दंगे हुए होंगे, रामनवमी में दंगा, परशुराम जयंती में दंगा, होली में दंगा, ये सब कर्फ्यू, दंगा, ये कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने 5 वर्ष के शासनकाल में क्या दिया? यहां पे आपको बजरी माफिया दे दिया होगा, खनन माफिया दे दिया होगा, वन माफिया दे दिया होगा, पशु माफिया दे दिया होगा, संगठित अपराधों में लिप्त माफिया दे दिए होंगे। और भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया का उपचार करने के लिए हम उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लेके आए हैं। डबल इंजन की सरकार इस माफिया का उपचार अच्छी तरह करना जानती है।
और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ जनता को सुरक्षा की गारंटी और दूसरी तरफ आपकी आस्था का सम्मान। आस्था का सम्मान कैसे किया जाता है? कांग्रेस ने अपने सरकार के समय कहा था राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप याद करिए, हमारे यहां राजस्थान में जब हम आपस में मिलते हैं तो दो ही संबोधन होता है, जय जोहार का और राम राम सा का। यही होता है ना, यही होता है ना, जय जोहार या राम राम सा, यही तो होता है। और कांग्रेस कहती है, एक तो सनातन को गाली देती है और दूसरी तरफ कहती है राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, यानी हमारे सनातन को भी गाली दे रहे हैं, हम तो हमें गाली दे रहे हैं, हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जो हमारे अस्तित्व पर खड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा हो, क्या हमें उसे समर्थन करना चाहिए क्या? क्या हमें माफियाओं को समर्थन करना चाहिए क्या? जो हमारे प्रभु को गाली देते हो, क्या हमें उन्हें समर्थन करना चाहिए क्या? और देखिए, मोदी तो नाम है समाधान का। मोदी जी ने जो बोला सो करके दिखा दिया। 500 वर्षों की समस्या थी अयोध्या में, आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है ना, अयोध्या में आज मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह है? अच्छा, डोगरपुर से कितने लोग वहां जाना चाहते हैं? अयोध्या पूरा डोगरपुर ही जाना चाहता है। आप सबका अभिनंदन है अयोध्या में। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे 500 वर्षों के बाद। याद करिए, हमारे पूर्वजों का कई कई पीढ़ियां चली गई राम मंदिर के लिए लड़ते लड़ते, लाखों लोग शहीद हो गए। आज राम मंदिर का निर्माण होने जा हो करके अब भगवान राम विराजमान भी होंगे 22 जनवरी को। और भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी की इच्छा है कि प्रभु राम के मंदिर में मैं भी दर्शन करूं, और क्यों नहीं हो? राम हमारे पूर्वज हैं, हम तो उस विरासत के हैं। जैसे हम लोग आते हैं यहां, डोगरपुर हो, उदयपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, हर व्यक्ति मानता है कि हमारे तीर्थ हैं, आधुनिक तीर्थ हैं, क्योंकि देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए एक अमिट छाप इस धरती ने छोड़ी है। और भाइयों बहनों, ऐसे ही देश के अंदर धर्म और न्याय की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, राम राज्य की अवधारणा को देने के लिए प्रभु राम के प्रति हम सबका एक स्वाभाविक सम्मान और श्रद्धा का भाव है, और इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का एक अवसर हर भारतवासी को प्राप्त होगा। और इस अवसर पर इसीलिए मैं आप सबका कहने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये काम नहीं होता। डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, मोदी जी का नेतृत्व है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या का दीपोत्सव भी आपने देखा होगा, लाखों दीप जल रहे थे अयोध्या में, हर वर्ष जलते हैं जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। सबको सुरक्षा, कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई समस्या नहीं, कोई किसी प्रकार का दंगा नहीं। भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आज आपके पास आए हैं कहने के लिए, राजस्थान को इस अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफियागिरी से मुक्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी चाहिए। डबल इंजन की सरकार के लिए श्री बंसीलाल कटारा को यहां से विधायक बनाना चाहिए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके एक बार अपनी सहमति का मोहर लगा करके मेरे सामने बताइए थोड़ा। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। भाइयों बहनों, और मेरी अपील होगी आपसे,
श्री बंसीलाल कटारा को कमल चुनाव चिन्ह पर आप जयपुर भेजिए। और भाइयों बहनों, बदले में बंसीलाल कटारा से मैं कहूंगा कि 22 जनवरी के बाद कोई एक शुभ मुहूर्त देख करके राम भक्तों को लेकर के अयोध्या आए। सहमत है? सब लोग सहमत है ना? तो भाइयों बहनों, आप सब डबल इंजन की सरकार बनाने के इस अभियान के साथ जुड़े। और भाइयों बहनों, बंसीलाल कटारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आगे डटेगा, इस विश्वास के साथ 25 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।